सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, कि आपका फंगल इन्फेक्शन क्यों नहीं ठीक हो रहा। और गाइस, इसी टॉपिक पर फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं आपके फंगल इन्फेक्शन से, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें हैं और वो कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, और आपने फर्दर स्टेप क्या करना है उसके रिगार्डिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन टू इट। तो गाइस देखिए, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर आप एंटी फंगल मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, तो गाइस ये आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की एंटी फंगल मेडिसिन 1 महीने के लिए होती है, 2 महीने के लिए होती है, हद से हद 6 महीने के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों तक एंटी फंगल मेडिसिन को खाते रहें। ऐसा कर करके गाइज आप अपनी शरीर की इम्यूनिटी को तो ख़राब करते ही हैं, साथ ही जो फंगल इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है कि उसको ट्रीट कर पाना हर पैथी के लिए नामुमकिन ही हो जाता है। अब वो चाहे एलोपैथी हो, या आयुर्वेदिक हो, या होम्योपैथी हो, या यूनानी हो, गाइज कोई भी पैथी आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं कर पाएगी अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम से एंटी फंगल मेडिसिन को खा रहे हैं। तो गाइस, कारण पहला था हमारा कि ज़्यादा टाइम तक आपने एंटी फंगल मेडिसिन को नहीं खाना। अगर एंटी फंगल मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके गाइस, दूसरा है स्टेरॉयड मेडिसिन। आपने किसी भी स्टेरॉयड का यूज़ नहीं करना। हालांकि अगर आप किसी भी स्टेरॉयड मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो इंस्टेंटली आपको रिलीफ तो मिलता है। स्टेरॉयड मेडिसिन उस एंटी फंगल का जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, उसको दबा जरूर देती है, लेकिन गाइज उसको जड़ से ख़त्म नहीं करती। इसलिए स्टेरॉयड को आप भूलकर भी यूज़ ना करें। स्टेरॉयड के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका फंगल इन्फेक्शन ट्रीट कर पाना किसी भी पैथी के लिए आसान नहीं होता, और वो लाइलाज हो जाता है, उनको बहुत टाइम लग जाता है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। गाइस, जो तीसरा कारण है वो है शरीर के टॉक्सिन्स। अब चाहे वो टॉक्सिन्स आपके एंटी फंगल मेडिसिन खाने के कारण बने हों, या फिर आपके लाइफस्टाइल के कारण बने हों, अब ये मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। वो आप जानते हैं कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स क्यों बने। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी जो हैं, जो विषैले पदार्थ हैं आपके ब्लड में, उनको टॉक्सिन्स बोल रहा हूँ। तो टॉक्सिन्स भी हैं आपके शरीर में, जिसके कारण आपका जो है फंगल इन्फेक्शन वो ठीक नहीं हो रहा। और गाइस, जो चौथा कारण है वो है आपकी वीक इम्यूनिटी। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता अच्छी है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। और अगर आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम हो चुकी है। और गाइस, जो पांचवा कारण है वो है आपके लीवर का कमज़ोर होना। जी हाँ बिल्कुल, अब अगर आपका लीवर कमज़ोर है, तो वो जो फंगल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे पार्ट पर जा रहा है, वो लीवर कमज़ोर होने के कारण ही जा रहा है। अगर आपका लीवर स्ट्रोंग होगा, तो वो शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको अपने आप ही फ्लश आउट कर देगा। तो गाइज, अगर आप अपने लीवर को स्ट्रोंग कर लेते हैं, और आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड अप कर लेते हैं, साथ ही टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो गाइज आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो 100% ठीक हो जाएगा। बस आपको इन तीन बातों का ही ध्यान रखना है। और जो दो बातें हैं स्टेरॉयड क्रीम्स का और एंटी फंगल मेडिसिन का, वो आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसके कारण आपका जो लीवर कमज़ोर होगा ही, साथ ही इम्यूनिटी भी कम होगी, और आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे।